प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर बोलो सतगुरु देव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत सहे गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम आगे पीछे मध हुए तिनको जान कुर्बान नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशम धुनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम ग्रीव जो सुमरै सिद्ध होई गण नायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊ गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम रिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन धावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेश इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि आधारा दावे सैस 88 उतरें भवजल पारा कट है यम की फांसी 33 कोटि आधारा दावे सैस 88 उतरें भवजल पारा कट है यम की फांसी कर जोरू विनती करूं धरूं चरण पर शीश गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम कुत्ता हूँ गुरु देव का रामपाल दास का नाम गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं मैं तो करो तो बावड़ू
दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सुख। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो करनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारद, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिक भरे विकार, तुम दाता दुख बंजना, मेरी करो सवार। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही, आप ही बह जावांगे, जो तुम न पकड़ोगे बां। ए बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का, सूजत और न ठोर। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रजनार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहेब जी अपने विषय में अपनी जानकारी प्रदान करने के लिए वह स्वयं ही अपने निज स्थान से अमर लोक से सत्यलोक से चलकर आते हैं। यहाँ के जो भगवान हैं, जो यहाँ के प्रभु हैं, स्वामी हैं, जो यहाँ का राजा है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है ब्रह्म, जिसे काल बोलते हैं, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूँ। अब इन सभी लोकों का यानी उपस्थित सेनाओं का नाश करने के लिए अब परिवर्त हुआ हूँ। ये काल कौन है, इसकी जानकारी परमेश्वर कबीर देव जी ने ही आके बताई है कि ये श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके भूतवत प्रेतवत गीता जी के ज्ञान को कह गया। तो वो काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, हम इस काल के जाल में फंस गए हैं। इसको 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपत शिला पर भून कर उससे निकला हुआ गंध खाने का श्राप लगा हुआ है। इसी उद्देश्य से इसने हमें यहाँ पर बाई फोर्स रोका हुआ है, जबरदस्ती रोक रखा है, जबरदस्ती हमसे सब कार्य करवा रहा है। जैसे संतानों उत्पत्ति, फिर इनकी परवरिश, इनमें मोह ममता, संपत्ति के अंदर ममता, ताकि हम यहाँ अपना टाइम पास करते रहें। फिर जब भी इसने जिसके भी पुत्र को मारना है उसको मार देता है, किसी की पुत्री को, किसी के पिता को, पूरे परिवार को। इसने अपने पूरा 100,000 का कोटा प्रतिदिन हम में से ही चुन लेना है।
ये तो ऐसा कर रखा है जैसे इसने खेती बो रखी है हमारी, और उसमें से जो भी वस्तु इसको चाहिए उसी को निकाल ले जाता है, अपना खा लेता है। पुण्यात्माओं, ये इतना कटु सत्य है कि प्रथम बार कोई प्राणी सुनता है उसको ये महसूस होता है कि ये दंत कथा है, लेकिन ये सत्य कथा है, इसमें जरा सी भी कोई जो है चूक नहीं है, किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है, ये शत प्रतिशत सत्य है। ये जानकारी परमेश्वर कबीर देव जी, जो हम सबका पिता है, जो हम सबका जनक है, जिसमें माता पिता भाई वाले सभी गुण होते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रोणी तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव, ये वो परमात्मा है जिसके विषय हम ये सेंटेंस बोला करते थे। ये कबीर देव, ये कबीर परमेश्वर वो परमात्मा है जो बनारस में काशी शहर में एक जुलाहे की भूमिका करके 120 वर्ष इस पृथ्वी पर रह करके वो परमात्मा सहशरीर चले गए, सहशरीर ही आए थे, क्योंकि परमेश्वर किसी माँ से जन्म नहीं लेते। यदि कोई माँ से जन्म लेकर और फिर वो भगवान की संज्ञा में हम लेते हैं उसको, तो वो माँ से जन्म लेने वाला परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो सबका जनक नहीं रहा। हम श्रद्धालु हैं, हम किसी भी प्रभावशाली देव को सर्वेश्वर मान लेते हैं। इसी भूल को मिटाने के लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं। कबीर देव जी वो पूर्ण परमात्मा हैं, सर्वश्रेष्ठ रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान कराया कि हम काल के जाल में फंसे हुए हैं। आप देख रहे हो प्रतिदिन समाचार पत्रों में या टेलीविजनों में या वैसे कोई अपने आस पड़ोस में, प्रतिदिन ना जाने कितने व्यक्ति कोई दुर्घटना से, कोई वैसे किसी बीमारी से या किसी और कारणों से प्रतिदिन कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है, जिसमें पूरा परिवार का परिवार भी चला जाता है और किसी परिवार के दो दो तीन तीन सदस्य एक ही दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये सब क्या है? हम जीव हैं, हमारी बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। हम ये सोचते रहे कि शेष कुशल रहें भगवान। अब शेष कुशल कैसे रहेंगे? उन शेष के लिए क्या एक्स्ट्रा कोई हमने ऐसा प्रोटेक्शन बना रखा है? तो ये हमारी जीव संज्ञा की सोच थी। अब परमात्मा ने आके बताया है कि कबीर ये तन जाएगा, सके तो ठहर ला एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। अब क्या बताया परमेश्वर कबीर जी ने कि वैसे तो ये शरीर तुम्हारा एक दिन ना एक दिन अंत होना ही है, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ये जो अकाल दुर्घटनाएं से मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु, इनसे बचाया जा सकता है, क्योंकि जब तक हम पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी की शरण नहीं आते हैं, तब तक हम अपना केवल प्रारब्ध ही प्राप्त करते हैं। उस प्रारब्ध में आपकी जिस में जिन कारणों से भी मृत्यु होती है वो हो जाती है। उस दौरान जैसा भी आपने कोई पुण्य पाप किया वो आपका दोनों ही अकाउंट ओपन रहते हैं। आपके जो पाप हैं वो बैड अकाउंट में ऑटोमेटिकली डिपॉजिट होते रहते हैं और जो आप पुण्य करते हो वो ऑटोमेटिकली आपके गुड अकाउंट में जमा होते रहते हैं। अब पुण्य पाप का जो हिसाब किताब है, अकाउंट है, वो बहुत ही लंबा चौड़ा है। आप अच्छी सोच भी किसी के प्रति रखते हो वो भी आपके पुण्य में होती है। आप किसी के बारे में मलिन सोच भी रखते हो, किसी का बुरा करने की सोच भी लेते हो, तो भी आपके बैड अकाउंट में वो सोच का जितना भी आपको